स्मार्टफोन का रियल चैम्पियन। जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन का रियल चैम्पियन जो है वो रियलमी 3 का लाइटर वर्ज़न है, वो बहुत जल्दी आने वाला है और शायद से 15 जुलाई को ही रियलमी X के साथ लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को पता थी ये इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे रियलमी 3 जो है वो डायमंड कट डिज़ाइन के साथ आने वाला है, बट दोस्तों इस मोबाइल का नाम क्या होगा ये अभी कन्फर्म हो चुका है। तो दोस्तों, इस मोबाइल का नाम है रियलमी 3i, इस नाम से दोस्तों ये आने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, Realme ने Realme X की इन्फॉर्मेशन भी चुपके चुपके यहाँ पे Flipkart में दे दी थी, जबकि Twitter में कुछ भी नहीं बताया था। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, नए फ़ोन के बारे में, Realme 3i के बारे में, ये भी यहाँ पे चुपके से डाल दी गई है Flipkart के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों, जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रियल चैम्पियन नाम का एक स्लोगन दिखेगा जो कि Realme 3i आने वाला है उसका है। और यहाँ पे आपको एक दो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस के सही आंसर देते हैं तो आपको चांसेस है कि आप Realme 3i को विन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसे इजीली वर्क यहाँ पे इजीली आप इसे आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको पहले क्वेश्चन का आंसर करना है तो आप विराट कोहली कर दीजिएगा, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप स्टाइलिश डायमंड बैक डिज़ाइन कर दीजिएगा, क्योंकि जो Realme 3i है वो आने वाला है स्टाइलिश बैक डिज़ाइन वाला, जो डायमंड कट डिज़ाइन था Realme 1 और 2 में सेम टू सेम उसी डिज़ाइन में आने वाला है, बट ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैटी फिनिश देगा जैसा कि Realme C2 में मिलता है। तो यहाँ पे जो है ये एक लाइटर वर्जन होने वाला है Realme C2 और Realme 3 के बीच में, जो कि आपको Realme C2 आपको मिल जाता है 6000 रुपये से स्टार्ट होता है, और Realme 3 जो है वो आपको 9000 रुपये से स्टार्ट होता है। तो ये जो है 7000 और 8000 के बीच में आने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे आपको पीछे की तरफ दो कैमरे दिखने वाले हैं, 13+2 मेगापिक्सल सेम। और ये मेरे हाथ में Realme 3 है, और आप देख सकते हो बैक जो डिज़ाइन है इसका स्टारी फिनिश वाला था, जो कि एक अलग डिज़ाइन थी। और इससे पहले भी जब ये लॉन्च हो रहा था Realme 3, तो कंपनी ने बोला था कि एक डायमंड कट डिज़ाइन वाला फ़ोन आएगा, जो कि थोड़ा डिले हो गया बट अभी आ चुका है। तो यहाँ पे भी आपको सेम ऐसा ही लुक देखने को मिलेगा, बस बैक जो है वो आपको चेंज हो जाएगा और जो प्राइस है वो 1000 रुपये लगभग से कम हो जाएगी। सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है दोस्तों, जैसे कि Realme हमको 3 में देखने को मिलता है। Realme 3 में थोड़ा ज़्यादा कैमरा देखने को मिलता है, प्राइस यहाँ पे कट होगा तो कैमरा भी यहाँ पे लेस हो सकता है, बट पीछे की तरफ आपको 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है। तो एक Realme ने जो बजट सेगमेंट में एक और एंट्री मार दी है, तो ये जो है मुझे लगता है कि Redmi का जो 7A है जो मोबाइल है उसको टक्कर देने के लिए यहाँ पे अगर मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो यहाँ मोबाइल में आपको वही स्कैनर देखने को मिलता है P70, और एक और चीज़ जो बैटरी है वो आपको 4000 mAh की देखने को मिलने वाली है। और ये जो मोबाइल दोस्तों लॉन्चिंग होने वाला है वो Realme X के साथ ही 15 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, और एक बजट सेगमेंट में बहुत ही अच्छा मोबाइल आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Realme 3 है, बस इसके आगे अब आई लग जाएगा बॉक्स में, थोड़े से जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंजेस हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए, वंदे मातरम।